साथ साथ में तो हम लोग का चैप्टर चल रहा है फ्लूइड प्रेशर, जिसमें हम लोगों ने अभी देखा वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, मतलब गहराई के साथ प्रेशर के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ता है हम लोगों ने देखा। तो देखिए, जैसे हमने कहा कि ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है, अगर मान लीजिए किसी बैलून को अगर हम उड़ा दें तो वो मान लीजिए गैस गैस जो गैस बैलून होते हैं आप उनको छोड़ दें तो वो उड़ते जाएंगे, क्या कहाँ तक उड़ सकते हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर देखिए वो उड़ रहे हैं क्योंकि ऊपर प्रेशर घट ही रहा होगा तभी, नहीं तो अगर प्रेशर ज़्यादा होता तो बैलून ऊपर जा नहीं पाता, तो क्या वो चलते ही जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो बैलून के अंदर प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से अधिक होगा तो वो बैलून क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। जब तक गैस का प्रेशर बैलून के बाहर लगने वाले प्रेशर से कम होगा तब तक वो बैलून नहीं फटेगा, जैसे ही अंदर का दाब ज़्यादा होगा बाहर का कम होगा बैलून फट जाएगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग जानते हैं। तो आज जो नेक्स्ट हम लोग का जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है पास्कल्स लॉ, ये भी एक बहुत ही फेमस लॉ है, ठीक है। बहुत एप्लीकेशन होता है इसका आज कल के डेट में, बहुत एप्लीकेशन है। तो इसकी डिफिनीशन है, इन ए स्टैटिक फ्लूइड, देखिए शब्द ही है स्टैटिक फ्लूइड, मतलब कि द्रव स्थिर अवस्था में है तब बात की जा रही है, ठीक है। इन ए स्टैटिक फ्लूइड, इन ए स्टैटिक फ्लूइड द प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक। ये हमने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये है कि दैट इज व्हेन व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड at a point in a static fluid is equally transmitted या equally distributed, मतलब किसी स्थिर द्रव पर अगर एक पॉइंट पर दाब लगा दे रहे हैं तो वही दाब इक्वली चारों दिशाओं में ट्रांसमिटेड या डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, जो भी प्रेशर हम किसी एक पॉइंट पर लगा रहे हैं वही दाब चारों दिशाओं में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको कहा गया पास्कल लॉ, ठीक है। ये है पास्कल का नियम। अब देखिए इसके ऊपर कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ये रहा कि किसी स्थिर द्रव में अगर किसी एक पॉइंट पर बल दाब लगाया जाएगा तो वह दाब चारों दिशाओं में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे पास्कल का नियम कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक, इसको ऐसे बंद है, यहाँ पर ये पिस्टन है, ठीक, इसके अंदर फ्लूइड है, ठीक, ये कंटेनर है, इसके अंदर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, और अब यहां पर प्रेशर पी लगाया गया। जब प्रेशर पी लगाएंगे तो कैसे देखेंगे कि वो चारों दिशाओं में एक समान रूप से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमने यहां पर एक नली जोड़ दिया, ठीक, एक नली जोड़ दिया यहां पर,
एक यहाँ पर जोड़ दिए, ये तीन नली जोड़ दिए अलग अलग पोजीशन पर जोड़ दिए। ये सिर्फ अगर कहने का मतलब पास्कल ला यहाँ पर तभी मान्य होगा, तभी वैलिड होगा जब हम किसी एक पॉइंट पर प्रेशर लगा रहे हैं, ये पिस्टन आएगा इसकी फ्लूड ऊपर दाब लगाएगा तो ये फ्लूड क्या होंगे इस जो ट्यूब लगाई गई इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर एक समान प्रेशर लग रहा होगा चारों दिशाओं में तो सभी दिशाओं में जो सभी ट्यूब लगाई गई हों उसमें फ्लूड का जो ऊंचाई है चढ़ने का लेवल क्या होगा वो सेम होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि प्रेशर हमारा सभी दिशाओं में सेम है। तो मतलब कहने का ये है कि हमने कहा कि इसमें इतनी ऊंचाई तक चढ़ा फ्लू ये नहीं, ये पास्कल ला का एग्जाम्पल। कहने का मतलब अगर हम एक पॉइंट पर प्रेशर यहाँ लगा रहे हैं तो इस प्रेशर की वजह से सभी नलियों में एक समान ऊंचाई तक द्रव अगर चढ़ता है तो ये पास्कल ला का पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल चला, पहला है हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक जैक हाइड्रोलिक क्रेन हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए आज की डेट में बहुत सारी चीजें हैं, फोर व्हीलर में अगर ब्रेक लगाते हैं तो हाइड्रोलिक यही हमारा पास्कल ला पे ही काम करता है। आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्लूड वहां से चारों पहियों में एक समान ब्रेक अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक जैक। देखिए गाड़ियों को उठाना है तो हाइड्रोलिक जैक आ रहा, हाइड्रोलिक क्रेन भी, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी है, लिफ्ट चल रही, तो ये पास्कल ला का एप्लीकेशन है। ठीक है, अब एक इसका एग्जाम हमने कहा यहाँ यहाँ एप्लीकेशन होता है, तो हम एक इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है तो वहां पर हम लोग इसको एप्लीकेशन करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पर प्रेशर P1 लगाया गया, यहाँ पर एक गाड़ी हमको उठाना है। देखिए यहाँ पर इस तरफ जो एक सिलेंड्रिकल एरिया सिलेंड्रिकल टाइप बनाया गया बहुत कम एरिया का है, इसकी एरिया को हमने कहा A1 है और इसका एरिया A2 है। ठीक है, इसमें फ्लूड
भरा हुआ है। ठीक, ये फ्लूड भरा हुआ है। A1, A2, यहाँ पर प्रेशर लगाया गया P1, तो फोर्स कितना आएगा भाई? F1 बराबर P1 A1, यहाँ पर कितना इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा? F2 कितना हो जाएगा? P2 A2 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। F2 बराबर हो जाएगा P2 A2, ठीक है। ठीक, तो हमने यहां मान लिया इधर एरिया कम है A1, कंडीशन है क्या है A2, देखिए A2 बहुत ज्यादा है किससे? A1 से, मतलब इसका एरिया बहुत कम, इसका एरिया बहुत ज्यादा। तो फ्रॉम पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ के अनुसार क्या हुआ कि अगर आपने इस पॉइंट पर प्रेशर लगाया तो ये प्रेशर, जो प्रेशर यहां आप लगा रहे हैं, यही प्रेशर यहां पर क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कि P1 और P2 क्या होंगे? बराबर होंगे। ये पास्कल लॉ के अनुसार P1 बराबर P2, मतलब F1 A1 बराबर F2 A2। तो यहाँ से F2 अपान F1 क्या आ जाएगा? A2 अपान A1। ठीक, एक रिलेशन आ गया हमको, यहाँ मिल गया कि फोर्स का रेशियो जो है, मिला हुआ बल जो आपको, हमको बल मिल रहा है F2 ऑब्टेन कर रहे हैं, मिनिमम फोर्स F1 लगा करके हम लोग F2 पा रहे हैं, तो F2 अपान F1 बराबर A2 अपान A1। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि F1 क्या है? बहुत कम है। क्यों? क्योंकि A1 का मान बहुत, भाई अगर फोर्स कम है, एरिया कम है, तो फोर्स का मान क्या होगा? बहुत कम होगा। मतलब F1 बहुत है क्योंकि A1 का मान बहुत कम है। अगर ये कम और ये कम, तो F2 का मान क्या होगा? बहुत अधिक होगा। इसलिए F2 का मान अधिक होगा। मतलब जो हमको यहाँ लगा रहे हैं फोर्स F1, मिल रहा है हमको F2, तो F2 क्या होगा? F2 अधिक होगा। तो यहाँ पर F2 और F1 में क्या रिलेशन आ जाएगा? F2 ग्रेटर देन F1। ठीक, लगाया गया बल F1 है, मिलने वाला बल F2 है, तो F1 कम है, मिल रहा है ज्यादा, तो इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं देखिए। ठीक, इसको नोट कर लिया होंगे आप, मिटा देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमको फार्मूला हमको मिला हुआ है F2 अपान F1 बराबर A2 अपान A1। तो मान लिया गया A2 अपान A1 बराबर 100, और ये A2 अपान A1 क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक है, A2 अपान A1 का मान 100 मान लिया गया है, तो F2 अपान F1 का मान क्या है भाई? 100। समीकरण 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कहा गया कि जो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, हमको ये गाड़ी को उठाना है जैक के थ्रू, चाहेंगे कि हमको हल्का सा फोर्स लगाए और गाड़ी हमारी उठ जाए। तो एग्जांपल के तौर पर कहा गया यदि अप्लाइड फोर्स F1 बराबर 10 kgf, ठीक है, कितना है? 10 kgf, 10 kgf पर, मतलब कि 10 किलोग्राम फोर्स,
और इसको अगर न्यूटन में लिखना चाहे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 kg = 9.81 न्यूटन, 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 98.1 न्यूटन, इतना आ जाएगा। ठीक, ये हो गया एपोन का मान 98.1 न्यूटन या 10 kg। तो अब आप बताइए F1 = कितना आ जाएगा, 100 है, F2 / F1 हमको 100 मिला हुआ है, F2 = 100 × F1। ठीक, तो यहाँ से 100 × 10 kg = आ जाएगा कितना, 1000 kg या 9.81 × 100 कितना आ जाएगा, 9810 न्यूटन। मतलब कहने का ये है कि लगाया गया बल 98 न्यूटन, लगाया गया बल कितना है भाई, 98.1 न्यूटन। मिलने वाला बल क्या है, कितना है, 9810 न्यूटन। आप देखिए कितना ज्यादा मिल रहा है बल, केवल और केवल हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन किसका किए हैं, ये पास्कल लॉ का एप्लीकेशन हाइड्रोलिक जैक हमने यहाँ पर देखा, बहुत थोड़ा सा फोर्स लगा करके हमने बड़ी सी गाड़ी को उठा दिया, बड़ी गाड़ी उठाने के लिए हमको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया, ये रहा पास्कल लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्लास को हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है, देखिए मैं आज तक अभी किसी से कहा नहीं कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, ये मैं कहूँगा भी नहीं, वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, बाकी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करें। ठीक, ओके, थैंक यू।